ये है हाईवे ब्रिज, ये नीचे लोग मछली पकड़ रहे हैं और ये सुंदर नजारा। फाइनली डॉक्यूमेंट मिलने के बाद एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है कि चलो यार एक काम तो हुआ, क्योंकि भाई गुड़गांव से देहरादून आके इतना पैसा लगा के अगर वो काम भी ना हो तो फिर फायदा नहीं है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है तारीख तीन अक्टूबर। सो मैं हूँ देहरादून में। एक्चुअली मेरी दीदी ने रिसेंटली नया घर लिया है, मामा की लड़की ने, तो वहाँ मैं आया हूँ। एंड एक दिन से, मतलब दो दिन से यहीं पे रह रहा हूँ। तो अभी आज मंडे है, तो जैसे मैंने बताया था आपको पहले वीडियोस में कि मैं जा रहा हूँ विकास नगर दिल्ली, लैंड परचेज के डॉक्यूमेंट्स लेने आज। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30 और ऑलमोस्ट 10:30 या 11 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा मैं। तो अभी फ़िलहाल सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है, तो ब्रेकफास्ट करते हैं। फ़िलहाल मैं अभी घर पे हूँ, तो चलो दिखाता हूँ। सो ये मेन एंट्रेंस गेट है यहाँ का, एंड उसके बाद कुछ ऐसा है। क्या कर रहे तू? क्या कर रहे हैं? इसको फेंक दे, उसको फेंक दे, उसको वहां नहीं फेंकना, उसे उठा उठा उठा, जल्दी उठा, जा मम्मी को दे उधर, मम्मी को बोल कचरे में डाल दो। हाँ, घर कुछ ऐसा है यहाँ पे। दीदी बना रही है खाना, क्या चाय बन गई? क्या आलू? आयुष इधर आजा, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, क्या कर रहा है? तो यार बस थोड़ी देर में नाश्ता करते हैं और उसके बाद चलते हैं, अभी आगे अपना काम भी करना है, तो बस थोड़ा सा टाइम है उसके बाद चलते हैं। हेलो गाइस, हेलो, कैसे हो? बोलो कैसे हो? मैं कौन हूँ? बोल मामा, बोल मामा, जो सोट मामा, मामा बोल, डांस कर। खाना आ गया? खाना आ गया भाई, जीजू आ गए, खाना आ गया। खाने में आज है रोटी सब्जी, तो खाना खा लिया है, आगे चलते हैं। अब 10 बज गए, वैसे ही लेट हो गया है, चलो। सो गाइस, खाना खाने के बाद एंड अब मैं जा रहा हूँ विकास नगर रजिस्ट्री ऑफिस में, रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो वहाँ से मुझे डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने बताया था, लैंड परचेज के डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उठाने हैं। एंड मेरी बात ऑलरेडी लॉयर्स हो गई है, डॉक्यूमेंट आ चुके हैं, तो लेट्स सी। मैं अभी विकास नगर की तरफ ही जा रहा हूँ, वो भी शिमला बाईपास रूट से। और मौसम काफ़ी, मतलब अच्छा हो रखा है, धूप है लेकिन फिर भी डिसेंट मौसम है। तो गाइज, विकास नगर के रास्ते में ही मेरे को ऐसी जगह दिख गई है कि मेरे को लगा यार इसको कैप्चर करना ही बनता है, और मेरे पास टाइम होता ना तो मैं अभी थोड़ी देर यहाँ इंजॉय करता, पर नहीं है। ये है हाईवे ब्रिज, ये नीचे लोग मछली पकड़ रहे हैं और ये सुंदर नज़ारा देख रहे हो। अब मेरा मन कर रहा है भाई धूप के हिसाब से कि अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता तो मैं अभी मस्त यहाँ पे नहा रहा होता बैठ के। आज टाइम की कमी है क्योंकि मेरे को वापस जाना है गुड़गांव, कागज रिसीव करने चलते हैं। चलो फिर चलते हैं। तो गाइज, अभी मैं आ गया हूँ ये रेड लाइट पे विकास नगर की। तो जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, अभी मैं हूँ देहरादून विकास नगर में, जो कि हिमाचल बॉर्डर के नियर बाई के एरियाज हैं। यहाँ से कुछ दूर के बाद पोंटा साहिब आ जाता है। सो ये एक छोर कह सकता हूँ मैं, एक साइड देहरादून का। एंड
बस थोड़ी दूर पे ही है रजिस्ट्रार ऑफिस, और अभी चलते हैं डॉक्यूमेंट लेते हैं फिर आएंगे वापस। सो गाइज, करंटली मैं आ चुका हूँ रजिस्ट्रार ऑफिस के एरिया में। पीछे मैंने गाड़ी पार्क कर दी है पार्किंग में, और अभी चलते हैं आगे। सो विकास नगर में कुछ ऐसा है ये एरिया, ये सारे ऑफिस दिख रहे हैं, ये सारे वकीलों के हैं। ये भी शायद पार्किंग एरिया था, अभी फुल हो चुका है, मुझे जाना है थोड़ा आगे। आई थिंक आगे नहीं जाना, मुझे यहाँ जाना है। बड़ा खतरनाक सा ऑफिस है, ये मेन रोड है, उधर रजिस्ट्रार ऑफिस, यहाँ वकील का ऑफिस। अभी चलते हैं, होप सो यहीं हो। बैठे हैं बैठे हैं, आगे डॉक्यूमेंट्स। चलो फाइनली डॉक्यूमेंट आ गए। हाँ यही है। तो गाइस फाइनली डॉक्यूमेंट आ गए हमारे, और चलते हैं हम। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना आपको, ठीक है। सो दाखिला खारिज का आपको कोई आइडिया है सर कि मैक्सिमम कितना टाइम लग जाता है? फिर भी थोड़ा बहुत इस महीने के एंड तक दाखिला खारिज हो जाएगी। धन्यवाद सर। फाइनली डॉक्यूमेंट मिलने के बाद एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है कि चलो यार एक काम तो हुआ, क्योंकि भाई गुड़गांव से देहरादून आके इतना पैसा लगा के अगर वो काम भी ना हो तो फिर फायदा नहीं है। एंड एक और गुड न्यूज ये रही कि उसने मेरे को बता दिया एग्जैक्ट टाइम फ्रेम कि हाँ भाई अगले महीने तक हो जाएगा तेरा पूरा काम। सो एक काम हो गया, फिर नेक्स्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं ना। एक ये हो गया तो फिर उसके बाद दूसरा करेंगे। सो अभी चलते हैं, अभी मेरे को जाना है अपने गांव के रुमसी गांव के ही भैया की दुकान में। उनका भी मकान यही है, घर यही है सब कुछ, एंड उनके रेफरेंस से ही मुझे ये वाला लैंड परचेज मैंने किया था। और चलते हैं अभी वहाँ पे, थोड़ा सा बातचीत करेंगे, फिर मेरे को जाना है फिर दीदी के घर पे जाऊँगा वापस, एंड उसके बाद तो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा। सो गाइज फाइनली मैं घर पे आ गया हूँ, एंड कागज़ वागज लेके मैं घर पे आ गया हूँ। अब नेक्स्ट प्लान ये है कि अब निकलते हैं, एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग, एंड हैव अ ग्रेट डे, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग राहुल डोमोला ब्लॉग्स, ठीक है। दोस्तों को शेयर भी करना है और आगे वीडियो भेजनी है, ठीक है भाई। सो गुड बाय गाइज, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय बाय।